दोस्तों आज जो एक्वेरियम बनने वाला है आप लोगों को बता दूं काफ़ी अद्भुत और यूनिक बन रहा है। इसका रीज़न ये है, आप लोग इसकी जो चौड़ाई देख सकते हैं वो कि 7 इंच है, सिर्फ 7 इंच चौड़ा। लेकिन ऐसा ही टैंक मैं पहले बहुत सारे बना चुका हूँ, वो भी सालों पहले, 5 साल पहले भी। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जो हाइट होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होगी, लगभग 20 इंच की। और जिसकी लंबाई होने वाली है ये है 39 इंचेस की, मतलब 36 इंच, 3 फीट से भी ज़्यादा की। ये एक्चुअल में ऐसा बेहतरीन एक्वेरियम मैं बनाने जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट के लिए, और उस रेस्टोरेंट में जगह कम थी तो वहाँ के गेट में और पार्टीशन पे एक्वेरियम बनाया जा रहा है। तो मैं सिलिकॉन लगाना एक्वेरियम बनाने का जो मेथड होता है वो सेम इसी पे प्रिंसिपल होगा, जिसकी वजह से मैं आपको इसे तो नहीं करूँगा। ये टैंक रेडी होने के बाद मैं इसे कैसे इंस्टॉल करता हूँ, किस जगह पे, आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस टैंक को देखने के बाद, आपकी कितनी भी छोटी सी गोमती हो, दुकान हो, और या आपका कितना भी छोटा सा रूम हो, घर हो, कितना ही बजट हो, आप लोग अपने घर पे एक्वेरियम रखने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को, मैं चाहता हूँ आप लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं बेस, बैक और साइड ग्लास ज्वाइंट हो गया है और कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी से फ्रंट ग्लास लगाना बाकी है, फ्रंट ग्लास भी लग गया। सिलिकॉन की फिनिशिंग करते हैं थोड़ा सा उंगलियों से, जिससे सामने तरफ से बराबर फैल जाए सिलिकॉन। ये सपोर्टिंग बेल्ट के लिए पट्टियां काट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सपोर्ट लगाना बड़े एक्वेरियम में कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों फाइनली टैंक बनके तैयार हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं लगेगा। अब पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप लोग देख सकते हैं रेस्टोरेंट कैसा है, काफ़ी खूबसूरत है, छोटी सी जगह है, बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल भी। इस रेस्टोरेंट का लोकेशन बता देता हूं, न्यू बस स्टैंड के पास रीवा मध्य प्रदेश ओवरब्रिज के पहले मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने। ये जगह देख सकते हैं बीच में पार्टीशन की बनाई हुई है, जिसको बोलते हैं सेक्शन से फ्रंट तरफ का गेट लगाना। वहाँ पर नीचे सबसे पहले थर्माकोल लगा देते हैं, उसके बाद आराम से दो लोग पकड़ के इसे बीच में रखते हैं, जिससे थोड़ा सा वो ग्लास इधर उधर टच ना हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। बेस थोड़ा सा मजबूत बनाया गया है, आप लोग देख के समझ जाएंगे, और वो काफ़ी बेहतरीन है, मतलब थोड़ा सा सेक्शन को आगे बढ़ा के पीछे तरफ से फिर नीचे तक छुआया गया है, जिससे ये बहुत ही बेहतरीन तरह का लुक दे रहा है। इसको डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा रेस्टोरेंट के हिसाब से डेकोरेटिव कर रहा हूँ, डार्क कलर के ग्रेवल्स और कुछ कप प्लेट के साथ मैं इसका डेकोरेशन करवा रहा हूँ। और वैसे मैं बता दूँ, ये जो आप लोग रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट मेरे फ्रेंड का ही है, और आप लोग चाहे तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं वेज में, और चाहे तो ऑर्डर पे स्पेशल, आप लोग नॉन वेजिटेरियन हों तो उनके लिए भी कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, और काफ़ी अच्छा है, ग्रूट भी मैंने इस पे लगाया हुआ है, और प्लांट्स एक मतलब तो ज़्यादा घना नहीं होगा। फिशेस मैं सोच रहा हूँ टेट्रा ग्रुप रखूँगा नॉर्मल बेसिक, और इस पर देख सकते हैं अब ये दोनों तरफ से दिखेगा व्यू आएगा। लाइट लगा रहा हूँ पिंक कलर की, थोड़ा सा रेस्टोरेंट के हिसाब से रौनक आएगी। दिन में कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो ऊपर नीचे चारों तरफ, और रात में से फिर देखते हैं कभी ये कैसा दिखता है। देखते हैं इस वीडियो को, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों को ऐसे ही एक्वेरियम और डेकोरेटिव आइडियाज़ देता रहूं। रात का समय हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नई नई कोल्ड ड्रिंक्स आई हुई थी, इसको भाई साहब ने डाल दिया है, लेकिन इसे परमानेंट नहीं रखना, और ना इसको कुछ ऐसे बस ऐसे शो होने के लिए, रोड से लोग देखे तो उन्हें लगे कि ये है, इसमें रेस्टोरेंट में मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बस इसे कुछ देर के लिए ऐसी रखी हुई, उसे निकाल देंगे, इसे आप लोगों को माइंड नहीं करना है। आप लोग इसे चारों तरफ से देख सकते हैं अभी कैसा दिख रहा है, और इस पिंक लाइट में भी कैसा है। और ये बता दूँ एक्वेरियम थोड़ा सा पतले कांच से बना हुआ था, पतले कांच से जब बनाना नहीं चाहिए, इसको कम से कम 6 to 8 mm यूज़ करना चाहिए था, बिकॉज उसकी वजह से एक्वेरियम थोड़ा सा फैल गया था। और आप लोग एक डेकोरेशन देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट का, ये काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बेहतरीन है मेरे हिसाब से, काफ़ी साफ़ सफाई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये लगभग 2 दिन हो चुके हैं और पूरी तरीके से एक्वेरियम कंप्लीट है, फिशेस को खाना दिया जा रहा है,
फिशेस देख सकते हैं, फीडिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेना स्टार्ट कर चुकी है। इसमें कुछ बंगाल डेनियोस, टेन फाइल बार, पोलर ब्लू पैरेट, एंजल्स, रेड टेल सार्क भी हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को डेकोरेशन आइडिया कैसा लगा, और आप लोग अगर रिवर्स हैं तो यहाँ विजिट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।